पाड़ दिया के, अरे मका पूरा का पूरा पाड़ दिया के, बो मारा। हाँ तो भाइयों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों उम्मीद तो करता हूँ कि भाई आप सब बढ़िया रहिए और भाई अपने परिवार में खुशहाल रहिए। तो आज हम पैसे करने वाले बड़े जबरदस्त तरीके से। तो पतंग देख लीजिए, पतंग ये वाली होने वाली है और ये पोना टूर्नामेंट वाली ही काइट है। तो दोस्तों साइज काफ़ी बड़ा है हमारे यहाँ पे। दोस्तों इस पतंग को बोला जाता है ये जीप पतंग है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन आ जाओ, पीला आ जाओ या सफ़ेद आ जाओ, वो जीप पतंग में कन्वर्ट किया जाता है हमारे यहाँ पे। तुम्हारे यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इस वाली पतंग का नाम। ठीक है ना, पतंगों के भी बड़े अजीब और गरीब नाम होते हैं। तो भाई टेपिंग वेपिंग देख लीजिए एक बार, मैंने कहाँ कहाँ करी है, क्योंकि बहुत से पूछते हैं लोग कि भैया टेपिंग वेपिंग आप कहाँ करते हो और फिर टेपिंग का फ़ायदा क्या होता है। ये देख लीजिए दोस्तों कहाँ कहाँ पे मैंने टेपिंग की हुई है, यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ी फट रही थी, यहाँ पे कोई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको देख रहे होंगे ये फट रही थी थोड़ी सी। तो मेन टेपिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, इस कोने पे कर सकते हो, थोड़ी सी यहाँ फट रही थी तो मैंने यहाँ पे कर दी थी, और यहाँ पे कर सकते हो। ये जो जोड़ होते हैं यहाँ पे, इन जोड़ पे करना जरूरी होता है। अगर आप डिज़ाइन वाली पतंग उड़ाते हो तो जोड़ पे बिना करे पतंग मत उड़ाना, क्योंकि भाई ऊपर जाके हवा में फट जाएगी वो। और यहाँ तो भाई मोस्ट होता है, और यहाँ पे तो भाई जो, और एक टेपिंग आप कन्नों के बिल्कुल यहाँ करोगे, अगर आप यहाँ कन्नों पे नहीं करोगे तो दोस्तों आपका जो कन्ना है वो खिसक करके यहाँ पे आ जाएगा तेज हवा में। ठीक है, तो दोस्तों पतंग तो हमारी तैयार है। और उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, काफ़ी लोग भाई जल भुनसी रहे हैं मेरी वीडियो पे, जो नए नए मांझे देख रहे हैं, कभी गेम चेंजर देख रहे हैं, कभी भाई स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। तो काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई नहीं, ये तो यार तुम मतलब प्लास्टिक है यार, क्या ये है। तो भाई मैंने उसमें बोला हुआ है यार, वीडियोज़ में अपनी बताया हुआ है कि यार अगर कोई प्रूफ करे तो भाई सामने आओ, नहीं तो ऐसे खमाई खाम की बात मत करो ना। अभी वही कैटेगरी के लोग हैं जिनकी गांड में ना जलन मच रही है बढ़िया तरीके से, तो भाई मचने तो तुम मेरी वीडियो से दूर रहो। जो मेरे 1000 चाहने वाले हैं उनके लिए तो भाई मैं तुम जैसे लोगों के ऊपर उनका दिल तो नहीं तोड़ सकता ना। तो भाई थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करो, तुम बोल क्या रहे हो। कुछ महर्षि तो ऐसे कहते हैं कि भैया आप 1-2-3 के मांझे के ऊपर वीडियो लाओ, 8400 के मांझे के ऊपर वीडियो लाओ, और ऐसे वीडियोज़ दिखाओ हमें जो मतलब कॉटन से बढ़िया हो। अब तो भाई तुम देख क्या रहो मेरे चैनल पर, फिर ये बताओ ठंडर वो क्या है, 8400 नहीं है क्या। मैं राशिद खान का मांझा है 7 स्टार में पहली बार लाया था, वो क्या है, वो 1-2-3 नहीं है क्या। रेड मॉन्स्टर क्या है, वो क्या कॉटन नहीं है क्या, बना तो कंपनी रही है, बना तो मशीन ही रही है, लेकिन कॉटन तो है ना, सेफ तो है ना। भाई ये बेफालतू की बातें करनी है करिए, और मुझे जो मेरे चाहने वाले हैं जैसा देखते हैं मैं उनके लिए वैसे ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, दुनिया भौंकती है भौंकने तो, अपना काम है करना है वो करना है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी धूप हो रही है आज, हाँ मैं इसको धूप में, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, तो ऐसी केड़ी धूप में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सामने की हवा है, सूरज मुँह पर लग रहा है, बस क्या बताऊँ। अच्छा मांझा की बात कर लेते हैं, मांझा कौन सा होने वाला है, ये देखिए दोस्तों ये होने वाला है जी मांझा। अब मैं आपको उसको पूरा तो दिखाने का नहीं, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है ना। जो भाई जान गए तो कमेंट में बता देना कौन सा वाला मांझा है, और आप देखते हैं दोस्तों इस मांझे से क्या तूफानी पतंगबाजी करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें, आप बहुत ज़्यादा बातें हो गई, और आपको जल्दी से एक अच्छा सा वीडियो दिखा। ये दोस्तों काफ़ी धूप है ऊपर की तरफ, तो भाई ऐसी धूप में पतंगबाजी करना बड़ा टफ होता है। चलिए आपके लिए कुछ भी यार, आप लोग इतना प्यार करते हो तो चलिए उड़ाते हैं इसको। तो दोस्तों पतंग हमारी पार हो रही है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से चक्कर भी लग रही है पतंग में, ये देखिए बहुत बढ़िया शानदार एकदम। अभी खींच कर भी इसको ट्राई करते हैं, लेकिन पहले इस पतंग को थोड़ा पार करते हैं फिर आपको दिखाएंगे। चल बेटी, हवा अच्छी है दोस्तों आज, हवा बढ़िया है, ये देखिए। अभी ये दोस्तों राइट साइड के चक्कर खा रही है, ये देखिए। अब मैं इसको लेफ्ट साइड के चक्कर खवाता हूँ, और ये देखिए दोस्तों लेफ्ट साइड के चक्कर ही बड़े शानदार तरीके से खा रही है भाई, मज़ा आ गया। अब इसको थोड़ा खींच के पार करते हैं, आए दोस्तों खींचतान में भाई एक नंबर है, काम कर रही है, तो भाई नो डाउट। चलिए दोस्तों पतंग को हमने पार तो कर लिया, अब डायरेक्ट आपको पैच दिखाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला पैच आता हुआ हमारा, ये ऊपर वाली पतंग मेरी है रेड सर्कल में, और ब्लू सर्कल में है अपोनेंट की पतंग दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम कॉटन मांझे अगर उड़ा रहे हैं तो भाई उनको किस तरीके से हमें डील करना है, क्योंकि भाई प्लास्टिक पे से कॉटन पे स्विच होके आना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, मैं जानता हूँ दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैं पहले से कॉटन यूज़ करता था कम से कम अब से 4-5 साल पहले, तो भाई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन मैं जानता हूँ जो भाई पहले से ही प्लास्टिक पकड़े हाथ में, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो भाई अपोनेंट ने ऊपर से पैच डाल दिया है और मेरा पैन नीचे से बन गया, लेकिन चक्कर ज़बरदस्त तरीके से आपके लगने चाहिए। अपोनेंट था लेफ्ट साइड से, तो भाई लेफ्ट साइड में ही आपके चक्कर लगने चाहिए, यानी कि आप राइट साइड से चक्कर मारो। और यहाँ पे अपोनेंट की पतंग बिल्कुल एकदम चलनी बंद हो गई है, बेटे ठंडर वो रहे हो, अच्छे अच्छों को चलाना बंद कर देगा।
दोस्तों देखिए कितना ज़बरदस्त पैच हुआ है, और अपने चक्कर आपको एंड मोमेंट तक नहीं रोकने, जब आपकी पतंग में ये लगे आपको हवा, ओह दोस्तों पतंग काट दी हमने, अरे वाह अरे वाह। मैं कह रहा था कि एंड मोमेंट तक आपको चक्कर लगाने हैं, अगर ये लगे कि आपको भाई हवा बंद हो गई है तो भाई अपनी पतंग को खड़ी कर लेना फिर आराम से। दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है सामने का, कभी भाई एकदम बिल्कुल सूर्य देवता दर्शन दे देते हैं, कभी बादलों के पीछे छुप जाते हैं। तो भाई ये राइट साइड में जो पतंग उड़ रही है ब्लू सर्कल में, यह अपोनेंट की, और ये रेड सर्कल वाली पतंग है मेरी, मैं अपोनेंट के दोस्तों नीचे की तरफ से ये पैच बना रहा हूँ। दोस्तों खींच में ही ये पैच बनाऊंगा मैं यहाँ पे, देखिएगा, और अपोनेंट के अभी मुझे और नीचे की तरफ जाना है यहाँ पे। भाई बिल्कुल भी कन्नों पे से खींच मत मारना, जंग बना के खींच मारनी है। यहाँ पे दोस्तों मैंने जंगे बनाई है, ये देखिए काफ़ी नीचे की तरफ गया और खींचा है दोस्तों तेजी के साथ में, लेकिन यहाँ पे गलती कर दी दोस्तों, कन्नों के पास से खींच दिया। ओहो ये पतंग भाई कटती हुई अपनी। दोस्तों अगली पतंग हमने पार कर ली है, ऊपर वाली पतंग ये हमारी है ब्लू सर्कल में, अपोनेंट ने नीचे से पैन लगाया दोस्तों, हमने ऊपर से पैन डाल के यहाँ पे फंसा करके चक्कर लगाई है बड़ी शानदार तरीके से। दोस्तों चक्कर लगाता ही खत्म, पाव मारा भाई साहब, एक पैच काटने के बाद में जो एनर्जी आती है ना वो ऐसी आती है लगा तू साहब। तो ये वाला पैच 500 से 600 मीटर की रेंज में होगा। ऊपर वाली पतंग जो है ब्लू सर्कल में अपोनेंट की है, और रेड सर्कल में नीचे की तरफ पतंग है भाई मेरी, ठीक है ना। अपोनेंट की पतंग आगे से उड़ रही है और बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो भाइयों आपको करना क्या है, मैं जो इसमें ट्रिक यूज़ करूँगा ना भाई, वो आपको यूज़ करनी है बड़ी खतरनाक तरीके से। अपोनेंट के नीचे की तरफ आपको डोर ढूंढनी है, और डोर ढूंढ के दोस्तों राइट साइड की तरफ तेज तेज से झटके मारने हैं, जैसे कि मैंने मारे राइट साइड की तरफ, मैंने निकाल दी पतंग अपनी, बहुत तेज़ी से झटके मारे, ऐसे झटके मारने हैं भाई जैसे कोई लकड़ी पे कुल्हाड़ा मार दे फेंक के, और ऐसे ही तुम पतंग काटोगे, गारंटेड काटोगे, गारंटेड लिखवा लो कोरे कागज पे, कोई फेल नहीं कर सकता भाई इस चीज़ को। ब्लू सर्कल में दोस्तों अपोनेंट की पतंग है, अपोनेंट ऊपर से आया भाई, ऊपर से बैंड डाल दिया अपोनेंट ने चक्कर लगाते हुए, और राइट और रेड सर्कल में मेरी पतंग है दोस्तों, मैं हूँ दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में, अपोनेंट है लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। अपोनेंट ने यहाँ पे चक्कर गलत लगाया है दोस्तों, उल्टे लगा रखे लेफ्ट साइड में, उसको लगाने चाहिए थे राइट साइड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं ट्रिक का यूज़ करने वाला हूँ आपको, वो बड़े ध्यान से सुननी है मेरे भाई, ठीक है। जब आपकी पतंग बिल्कुल खड़ी खड़ी जाए और अपोनेंट की पतंग भी खड़ी खड़ी जाए, किसी की पतंग नहीं घूम रही हो, तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप हल्के 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 झटके मारें और हल्की हल्की ढील दे। मैं झटके मार रहा हूँ, देखिए मेरी डोर हिल रही है, ठीक है ना, ज़्यादा तेज़ी से नहीं मारने। ओ काट दी बेटा, ट्रिक कामयाब होगी, पाव मारा लगा तू साफ साड़ोगी, घर में घुस के मारूंगा साड़ू, पाव मारा। भाइयों ये नीचे वाली जो पतंग है ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है, मैं अपोनेंट के दोस्तों ऊपर से पैच बनाता हुआ तेजी के साथ में, ये देखिए यहाँ पे, और भाई थंडरबोल्ट ने मौज कर दी भाई, एक ही पतंग कटी जब से मैंने ऊपर से पैच डाला, अपोनेंट ने बाहर की तरफ खींचा दोस्तों, मैंने अंदर की तरफ खींचता हुआ यहाँ पे छटके मारे तेजी के साथ में, पाव मारा। दोस्तों आगे इतने लंबे लंबे पैंच हो रहे हैं मेरे, लेकिन ये बीच में से कुछ चुचुंदर उड़ जाते हैं ना, ये पन्नी सन्नी के लेकर के, तो भाई ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इनका क्या तोड़ है अब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, अपनी पतंग को उनके नीचे की तरफ लेके जाए, और जैसे ही वो आपकी डोर के नीचे आए, समझ रहे हो, तो भाई अपनी डोर को उठा करके लेफ्ट साइड की तरफ खींच दे, हल्की सी खींच दे ताकि वो फंस जाए, ठीक है। उसके बाद वो ढील दे या खींच मारे, कुछ भी करे, अब ये फंस चुका है, इसके पास कोई चारा है नहीं कटवाने के सिवाय, अब मैं इसकी काट दूँ, चलो काट देता हूँ, ले तो भैया राम का नाम, पाव मारा साड़े, घर में घुस का मारवा, बीच में उड़ रहा साड़े, मारे आगे उड़ रहा पिटी चोद। दोस्तों ये रेड सर्कल वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर्कल में अपोनेंट की पतंग है, अपोनेंट उड़ा रहा है दोस्तों राइट साइड से, और मैं हूँ दोस्तों लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो मैंने अपोनेंट के ऊपर से ये पैच बनाया है, यहाँ पे पैच में चक्कर लगा दिए दोस्तों, फंसा करके लड़ चुका है पैच, और यहाँ पे दोस्तों पतंग आ चुकी है मेरी लेफ्ट साइड की तरफ, और अपोनेंट की जो डोर है बिल्कुल एकदम गांठ सी लग चुकी है पतंग में, ये देखिए मांझे में गांठ सी लगती हुई, और ना ही वो निकल सकता ना ही मैं निकल सकता, पैंच हो चुका है ये फंसा करके लड़ने वाला, मतलब कि चक्कर तो अब कहीं लग ही नहीं रहे, अभी मैं लगा भी नहीं रहा हूँ जानबूझ करके, ठीक है ना। हल्की हल्की थपकी का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, हल्की हल्की थपकी मारी, और यहाँ पे दोस्तों अभी ये ट्रिक काम नहीं कर रही, क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कहीं मांझे में ना गांठ लग गई है उसके और मेरे में, अब भाई यहाँ पे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं मुझे। अपोनेंट था ना, कौन सी साइड में था अपोनेंट बताइए मुझे, राइट साइड में था, तो इसलिए मैंने राइट साइड के चक्कर लगाए हैं, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर राइट साइड में है तो राइट के लगाने हैं, लेफ्ट में है लेफ्ट के लगाने हैं, ये गलती ना करें कि भाई आप किधर से भी चक्कर लगा दें, ये बहुत ही ज़रूरी इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि अपोनेंट की डोर में घस से लगाने का सबसे बड़ा तरीका यही है, ये तरीका आप याद रखिए दोस्तों, ठीक है ना।
देखिए दोस्तों, अपने चक्कर मैंने रोके नहीं है, अपोनेंट की पतंग नीचे की तरफ जाती हुई और मौज कर दी बट हंडर ने अब तक तो मज़ा बांध दिया। अब तक जितने पैंच काटे साले ये की पतंग कटी जब से, और ये अपोनेंट की पतंग पागलों की तरह घूमती हुई, अब तो ये डेफिनेटली कटनी है दोस्तों। और यहाँ पे पाव मारा, सारे ना खून ही पी दिया दोस्तों। कट तो पहले ही जाती है, लेकिन क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं गांठ लग गई थी, साला प्लास्टिक की उड़ाते हैं ना, तो इस वजह से दिक्कत हो गई थी। काट तो बहुत पहले देता मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, अगला पैंच करते हैं। दोस्तों ज़्यादा अंधेरा हो गया था इसलिए मैंने फिल्टर चेंज किया, तो ये रेड सर वाली पतंग मेरी है, ब्लू सर में अपोनेंट की पतंग है। तो भाई फंसा के लड़ाने में मान जबरदस्त काम कर रहा है, लेकिन खींच में भी मैंने एक दो पैंच करे तो अच्छा ही काम कर रहा है। तो भाई मैंने अपोनेंट की मैं खींच मारी तेजी से ऊपर के साथ गया, मार दिया के, पूरा मार दिया के, वो मारा लगा तू सांप सालों के घर में भटकन एक कर भाडुआ। दोस्तों ये रेड सेल वाली पतंग मेरी है, ऊपर वाली देखिए दोस्तों, दो ओपोनेंट आपस में लड़ रहे हैं, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं के ऊपर डाल के पतंग छोड़ दूँ, जो होगा देखा जाएगा। चलिए पतंग तो हमने काफ़ी काट ली है, तो भाई ऊपर मैं अपोनेंट की गया और इन दोनों के पैंच हो रहे हैं, भाई यहाँ ही डालना सही रहेगा। चलो मैं अपने पैंच लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने पतंग में चक्कर लगाए, हाय हाय लगा दिए। ये क्या हुआ दोस्तों, ये तो भाई अपनी पतंग कट गई, कोई बात नहीं। इसमें दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना बाकी रह गई थी कि भाई ये जो मांझा है ये बल खुला है या नहीं है। बल खुला मांझा कैसा होता है दोस्तों, ये देखिए बल खुला मांझा ऐसा होता है दोस्तों, बल खुला मांझा ऐसा होता है ये देखिए, जिसमें आपको हल्के हल्के ये सफ़ेदी सी नज़र आएगी मांझे में, आ रही है नज़र सी, ये बल खुला मांझा होता है जो दोस्तों, जिस मांझे में आपको ये वाइट सी डॉट नज़र आए, ठीक है ना, मतलब घसा तो अलग ही दिख जाता है, लेकिन जो बल खुला मांझा होता है वो ऐसे ही तैयार किया जाता है ताकि आपके जो मांझे की जो शार्पनेस है वो बरकरार रहे लॉन्ग टर्म के लिए, और जहाँ मांझा जितना भी पुराना हो जाए वो उस हिसाब से बढ़िया काम करे, तो बल खुला मांझा इसलिए इसको बोला जाता है। और ये थंडर बोर्ड जो है बल खुले में बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको पैचे, मज़ा आ गया? तो भाई मज़ा आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताइए कितना मज़ा आया कितना मज़ा नहीं आया। और दोस्तों आप लोगों का प्यार काफ़ी मिल रहा है भाई थंडर बोर्ड रेड मॉन्स्टर जैसे मांझों पे, क्योंकि आप सभी को पता लग गया कि भाई ये प्लास्टिक की जड़े को दोस्तों समाप्त कर देगा, इसलिए आप इसको इतना प्रीफर कर रहे हो, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि भाई आपको मांझे उड़ाइए तो ओरिजिनल उड़ाइए, क्योंकि लोकल मांझे भी अब बनना शुरू हो रही है। कहीं कहीं से मुझे खबर मिली है कि कहीं कहीं रेड मॉन्स्टर की कॉपियाँ बन रही है, थंडर वॉर की कॉपियाँ बन रही है, वो लेबल हमारे जो लगाए जा रहे हैं लोकल कॉटन वाली मांझों पे कहीं ना कहीं वो लगाई जा रही है। तो मैं आपको अवेयर करता रहूँगा, लेकिन जो भी ये कर रहे हैं ना वो थोड़ा संभल जाओ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आप पे होगा, बेफिक्र होकर बढ़िया तरीके से धुम्मे तारूँगा थारे घर में घुस के, और वीडियो पे तो तारूँगा ही, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो फिलहाल इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लाया जाए, और भाई जितने भी प्लास्टिक की मांझा भी अवॉइड करो दोस्तों, बिल्कुल भी इनकी तरफ मत जाओ। समझा के थक चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही गांड मारूंगा, बोलता रहूँगा, ठीक है, जिसको सोचना सोचो। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के गाइस जय भारत।